शॉपिंग स्टार्ट है। चॉइस राज इनका रहेगा, है ना? शॉपिंग हो चुकी है और क्या की है वो हम नहीं बताएंगे, और जितना ट्राई किया है वो भी उसमें से भी नहीं है, अलग लिया है मैंने तो देखो। और अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे, ये वाली देखो भाई, ये गाड़ी भूल गया देखो रख के, फोन भी मेरा अभी गिरा देता सारू ने राखी तो दी थी ना गाय ली गई तो पची कॉर्पोरेटर तुम्हारी गाड़ी ले ली है क्या किया क्या बोला तू कैसे भी करके हम छुड़ा लेते तो भाई यहाँ के कॉर्पोरेटर है जामनगर के तो ये तो छुड़ा ही ले सकते हम नहीं छुड़ा सकते। चलो अब हम जाते दूसरी शॉप पे बैठा नहीं जा रहा मैंने ये मैक्सिकन लिया है ना तो चलो देखो अभी सुपर मार्केट हम आ चुके हैं और यहाँ पे राजन बोल रहा है कि पहले कोल्ड ड्रिंक पिलाता हूँ तुझे, कपड़े चेंज करके थक गई होगी। और यहाँ का फेमस है शॉप मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना गीता कोल्ड ड्रिंक्स, तो ये कब से बोल रहा है जगदीश 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 कोल्ड ड्रिंक देखो, तो कब से बोल रहा है कि यार ये फेमस शॉप है यहाँ पे, और ये तो बहुत बार आ चुका है बट नेम ही भूल गया है कि फेमस है तो यहाँ का क्या बोल रहा है जगदीश और मुझे बोल रहे कि तू यहाँ पे नहीं आई, ये तो पूरा जामनगर को बताए फेमस है, और फिर बोल रहे हैं नहीं 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 गीता कोल्ड ड्रिंक, इसकी बातें सुनो। और अभी हमने दो फ्लेवर मंगवाए, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद है तो बोल रहा है कि आधा तू मेरे में से पीना और आधा मैं तेरे में से पीऊंगा, है ना देखो इसका माइंड देखो। देखो हमारे दो ग्लास आ चुके हैं चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, देखो है ना मुझे स्ट्रॉबेरी बदले चॉकलेट दे रहा है। यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारी खुद की लारी पे और देखो अब हम खा रहे हैं मोमोज, मैं पसंद नहीं है बट फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हैं। तो चलो बस अब मैं घर पे आ चुकी हूँ, नाइट ड्रेस वाइट ड्रेस मैंने पहन लिया है और मैं थक गई सच में, और आज दो व्लॉग मैंने साथ में डाले तो आज का व्लॉग मेरा इतना कुछ बना भी नहीं है, बस राजन के साथ में गई थी शॉपिंग करने और तो आप सब देखना, और माशाल्लाह बस यहीं पे गई थी, और वो भी सब कपड़े बोलते हैं ना ससुराल की तरफ से देने के होते, बट मेरी मम्मी ने, आप जब मेरा पेंडिंग व्लॉग देखोगे ना तो तब आप सबको पता चल जाएगा कि बहुत माशाल्लाह मेरी शॉपिंग हो चुकी है। मैं खुद अब देखती हूँ तो ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा कर ली है, नहीं मेरी मम्मी ने माशाल्लाह उसके मन से मुझे कर दी है इतनी सारी शॉपिंग, तो उसमें बहुत सारे हैवी हैवी ड्रेस है, तो राजन बोल ही रहा था कि हम जो ले ना वो तू है ना बहुत कम और ऐसे हैवी में नहीं बहुत सिंपल सोबर ऐसे लेना, तो वो वैसे तो मेरे कपड़े उसके साथ जाते हैं तो वही चॉइस करते हैं, यहाँ पे मेरी मम्मी करती है उस तरह से है, तो माशाल्लाह बस वैसे ही मैंने लिए है कि जो मैं घर में फिर कम्फर्टेबल रहूँ और पहनूँ उस तरह से, तो ऐसे मैंने ड्रेस लिए ये सब तो अच्छे, और वैसे भी जामनगर में तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट जामनगर में तो इतने सारे लुक्स होते ही नहीं है, देखो तो सब ने पहने होते इस टाइप से होते, फिर भी मैंने जहाँ से लिए वहाँ से राजीव ने निकाले जो किसी ने ना लिया हो उस तरह से, तो मैं उस तरह से पहनती हूँ, हर एक लड़की को ऐसा होता है कि हमने पहने वैसा कोई ना पहने,
अलग पेन है इस तरह से, वो भी अच्छा पेन है बट अलग पेन है, फिर हमने पहना हो ऐसा ही सेम किसी ने पहना हो तो हमें नहीं मजा आता ना, उस तरह से बोल रही हूँ, अलग ट्रैक पे मत जाना। तो बस वही कहना था। तो ऐसे मैंने लिए और राजीव ने मुझे ऐसे ही ले दी, उसको पता है। और तो फिर बस कपड़े वपड़े शॉपिंग कर ली मेरी जो थोड़ी बहुत करने की थी, फिर घर पे आ गई। हाँ बस रास्ते में हमने हमारी चिप्स खाई। तो बस चलो रात तो हो गई है, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी मैंने कमेंट्स जो अगले वाले पे जो मेरे क्वेश्चन आंसर जो मैंने कमेंट्स का आंसर दी उसमें मुझे फिर से कोई किसी ने क्वेश्चन किया है कि आप शादी के बाद व्लॉग कंटिन्यू रखोगे, तो जी हाँ मैं शादी के बाद, इसके पहले भी बोली उसमें भी बोली हूँ कि शादी के बाद मेरे से दो व्लॉग अपलोड होंगे, तो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। राजीव देता है मुझे, सपोर्ट करता है, फिर मैं मेरे घर पे क्या नहीं आऊँगी, 10 मिनट का रास्ता है सिर्फ घर से, ससुराल के घर और यहाँ से वहाँ तक का, तो मैं करूँगी। तो उसमें बोला है तो उसमें समझ जाना चाहिए ना आपको, मैं व्लॉग बनाऊँगी नहीं, मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी। जिसने क्वेश्चन पूछा है तो उसको मैं बोलती हूँ कि जी नहीं, मैं व्लॉग कंटिन्यू ही रखूँगी शादी के बाद, थोड़े टाइम में बीच में ना बन पाए तो समझना कि मैंने छोड़ दिया, तब बोलते हैं ना थोड़े अलग लाइफ हो जाती है, तो इसके हिसाब से बिजी लाइफ हो जाती है, उसके हिसाब से फिर भी मैं कंटिन्यू रखूंगी व्लॉग, तो कंटिन्यू रखूंगी। फिर मुझे क्वेश्चन आया है कि आप किड्स आपकी साथ ले जाओगे कि यहाँ रखोगे, तो जी जो उसने क्वेश्चन किया है तो मैं फिर बताती हूँ कि मेरा घर और मेरे ससुराल का घर 10 मिनट का रास्ता है, तो मैं वहाँ पे भी एक किड है और यहाँ पे मेरे माशाल्लाह दो थे, तो उसमें उसके दो बच्चे हो गए तो चार। तो राजीन वैसे भी बोल रहा है कि तू यहाँ के, वहाँ पे भी मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छा, वहाँ पे भी छोटी फैमिली है, हम जिस जैसे यहाँ है इस तरह से दो भाई बहन, तो वहाँ पे भी दो भाई बहन, वहाँ पे राजीन बड़ा है, बहन छोटी है, यहाँ पे कईम छोटा है, मैं बड़ी हूँ, तो माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, हमारे हम जितने कम है ना उससे बहुत बड़ा बंगलो, बहुत बड़ा बन जैसा ये है, ये भी कितना बड़ा है आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी उस तरह से है, तो हमारी किड्स आराम से रह सकती है और मैं साथ भी ले जाऊँगी, वहाँ पे भी रखूँगी, यहाँ पे भी रखूँगी, कभी यहाँ पे आ जाऊँगी उस तरह से, कभी मम्मी कयूम पापा बाहर गए तो मैं मेरे घर ले जाऊँगी, कभी वहाँ पे हम सब कई बार जाएंगे तो यहाँ पे वो है उसको भी यहाँ पे उसके इन लोगों के साथ छोड़ दूँगी, तो इस तरह से तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। तो जिसने कमेंट किया है कि किड्स क्या क्या करोगी आप, तो जी नहीं आप भी टेंशन मत लो, मैं रखूँगी और मेरी केयर से माशाल्लाह मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी केयर करती है, तो वो मुझे वैसे तो नहीं देगी, मुझे देगी भी नहीं, मम्मा मुझे मना ही करती है कि तेरे एक किड्स भी मैं तुझे नहीं दूँगी, और वैसे भी मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मा से प्यार करते हैं और मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, मुझे मना ही कर रही कि एक भी नहीं दूँ, मैं बोलती थी मम्मा एक या दो में ले जाऊँगी, एक या दो में ले जाऊँगी, मुझे एक भी नहीं देगी, ऐसे बोलती है, कहाँ दूर जा रही है आके मिल जाना इस तरह से बोलती है, तो वो देगी भी नहीं। और किड्स को भी आप सब जिसने जो लोग किड्स रखते हैं उसको पता होता है कि किड्स को जो एक घर जो उसकी अटैचमेंट जो है ना वो कई दूसरे पे नहीं मिलती, बहुत उसको टाइम लगता है, तो उसको ये चेंज नहीं करवाना, यहाँ पे भी रखूँगी बट हम इस तरह से कर लेंगे, और राजीन भी इस तरह से ही बोलता है, तो समझ गए आप, तो इस तरह से हम रखेंगे हमारे किड्स को, तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बस आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, यही वाला कंटिन्यू रहेगा, बट सोने जा रही हूँ, खाना खा के फिर मैं सो जाऊँगी, कभी बज गए रात के 11:30, हाँ 12 बजने को आए, तो अब मैं सो जा रही हूँ, तो फिर करती हूँ कंटिन्यू नेक्स्ट व्लॉग। देखो हमारा सिम्बा आज किचन की बालकनी क्या इसको क्या बोलते हैं मम्मी, खिड़की हिंदी में वहाँ पे देख रहा है किसी मीने को ही, हाँ सामने देख रहा है, क्या पता यहाँ पे हम मेरा नाश्ता। तो चलो बस सुबह हो चुकी है और अब मैं कर रही हूँ नाश्ता, और देखो मेरी मम्मी कर रही है सिम्बे के साथ मस्ती, वहाँ पे बैठा है ना पहले मैं बोली कि बालकनी में बैठा है, रसोई किचन में कोई बात बड़ी बालकनी, और मेरा नाश्ता हो चुका है, चलो अब मैं करती हूँ नाश्ता, तो फिर आपसे आगे मिलती हूँ सुबह सुबह। देखो हमारे घर में कितनी आवाज आ रही है, और देखो ये हमारे सुबह सुबह आ चुके हैं बाहर घूमने फिरने, और कुत्ता भी सो रहा है बट गली का ही है वरना हमारे ये छोटू का ध्यान रखना पड़ता है, देखो इस तरह से खाते मुँह में लेके घूमते रहते, और इस पेड़ के नीचे ही आएंगे,
यहाँ पे काम हो रहा है। ये हमारे सुबह सुबह यहाँ पे बैठे, वो लोग बाहर निकले तो इसको भी जाना है। क्यों मम्मा ऐसा रहता है ना कि हमारे बकरे बाहर जाते तो ये बोलते हमें भी निकालो, बट अभी इसका टाइम नहीं है, शाम को ही टाइम है। और देखो अभी मम्मी कर रही है नाश्ता कईम के लिए, है ना मम्मा जी। ये नेक्स्ट व्लॉग नहीं है मम्मा, ये कल का ही है। और तूने कल वैसे भी देख दिन तो हो गया ना, दूसरा तो कर देना सलाम में नहीं नहीं डाला, चल सलाम कर दे, वैसे टोकना नहीं चाहिए, माफ करना। अब क्या दादू तो सलाम करवाया, हंस रही है, मैंने कहा क्या गलती की, क्योंकि मैं गलती तो बहुत करती हूँ हिंदी बोलने में। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब की फैमिली, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब अच्छे। और देखो ना धो के हम तो फ्री हो गए, मैं जा रही हूँ बाजार कयूम के साथ में, और कयूम को इतना हिलाया इतना हिलाया, बाद में वो उठा और अब नाश्ता करके मैंने जी हाँ। तो अभी मेरी नानी माँ भी आएगी है ना मम्मा, अभी आने वाली थी तो मैंने मना किया ना, तो बेचारे हाँ 12 बजे के बाद तो काम करके मम्मा आ जाए, और मैं भी नहीं हूँ तो मैं भी जा रही हूँ कुछ काम के लिए, तो वो काम करने के लिए फिर हम दोनों माँ बेटी घर पे आ जाए, फिर आएंगे नानी। और अभी हमारा काम हो रहा है, आपको बाहर दिखाया हमारे काम वाले जो मासी है वो काम कर रहे हैं ना मम्मा, तो इस तरह से हमारा सुबह का रूटीन चल रहा है। तो चलो, तो और वैसे भी मम्मा तूने सलाम नहीं किया था कि कल व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। हाँ क्योंकि हम किसी को हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते, हम खुद ही करते जी हाँ क्योंकि हमें अच्छा ही नहीं लगता हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे हो। हाँ। क्योंकि हमारा खुद का काम हमें खुद का ही करना अच्छा लगता जी है। हाँ थक भी क्यों ना जाए जी हाँ। आराम करते जाओ, काम करते जाओ, इस तरह से सही है। हाँ ओ बस चलो, आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, लव यू। और हाँ कल कमेंट में बोला था सोफिया सोलंकी ने कि आपने मेरा नाम तो लिया ही नहीं, तो मैंने अच्छा। बोला था ना कि मैं किसी का भूल जाऊँ तो मुझे माफ करना। हाय सोफिया सोलंकी जी, आई मिस यू। आपने आप भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो तो जी करती है, माशाल्लाह करती है, अल्लाह आपको सलामत रखे और ऐसे ही हमारे साथ में रखे सही है। और आप भी दुआ करो हम भी आपके साथ में ऐसे ही रहते रहे आप सही है। हाँ जी, चलो अल्लाह हाफिज़।